बात है तो मजबूरी में हमको रिक्शा लेके आना पड़ा। मैं ओ भैया कहाँ छोड़े हैं हमारी बिटिया। तो दोस्तों रिचार्ज का अप्रूवल आ गया है, बज रहे हैं 4:15। तो दोस्तों जो कपड़े पहन के आए थे वही कपड़े पहन के जा रहे हैं, डिस्चार्ज हो गया है, मगर बहुत सारी परेशानियां हैं। आपने डिस्चार्ज घर चल के बताते हैं, काफ़ी रिस्ट्रिक्शन दिए हैं, काफ़ी वार्निंग्स दी हैं कि ये करना ये नहीं करना है, कैसे करेगी रचना, क्योंकि जो ड्रेसिंग होगी वो रचना तो नहीं कर सकती। पास में कोई क्लिनिक देखना पड़ेगा जो कर पाए, और वो ऐसी जगह कि हर कोई करेगा नहीं उसको, है ना, पता नहीं जो खड़े होते नहीं बन रहा, गाड़ी में बैठे कैसे हैं, कार में बैठे हैं क्या बात है। अब नाना पड़ेगा, चलो ऊपर ऊपर है, चलो भाई दोस्तों टाइम टू गो होम, ये पीछे बैठ जाएंगे। तो दोस्तों पापा मतलब गीत के पापा और मम्मी आ रहे हैं, बच्चे बड़ी मुश्किल से अब भी सोए हैं, तो मैंने कहा सामान उनके पास से लेके आऊँ, पर ये इज्जत करने लगी तो रोने लगती है, पता नहीं जैसे ही बोलो पापा ताता तो रोने लग जाती है, इसको पता नहीं क्या इशू है इस बात को लेके। तो मैं नीचे जा रही थी लेने, एग्जैक्ट आ जाते तो ही जाती क्योंकि बच्चे हैं। भैया कहाँ छोड़े हैं हमारी बिटिया, मुझे मैं टांग लूँ बजाना ना, चलते बन नहीं रहा, चल बेटा। अरे हो जाएगा, ये ले लो आपका, नहीं ठीक है तो हल्के ही। तो फाइनली हमारा हीरो हीरा लाल, मेरा हीरो हीरा लाल आ गया। नमस्कार, गाड़ियाँ खड़ी अपनी है, ऐसे चलते हैं। पापा आ गए, कहाँ गए थे पापा? आता है पापा को देखे तो ना, पापा नहीं करेंगे तो तुम्हें भी तो आना है, तुम्हें तो नहीं, मेरे तो गंदे, तू नहाएगा तो गीला होगा, तो अभी जैसे करता हूँ तो मैं नहीं, अलग तरीके से नहाऊंगा ना। पापा आ गए हैं, नहा लिए हैं, अभी फिर से ड्रेसिंग करा के आए हैं, और अभी मैंने कॉल करके डॉक्टर से बात करी क्या क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। थोड़ी दिक्कत है ड्रेसिंग, वो कहाँ कराएं, रचना सेंसिटिव है, वो कर नहीं पाएगी, क्योंकि दर्द होगा तो हाथ भी नहीं लगाएगी सही से। आप ही कह रहे हो दर्द हो रहा, मैं तो करने को तो करूँ, लेकिन आप कह रहे हो दर्द होता है, आप चिल्लाओगे तो मैं कैसे करूँगी मालवीय जी, दर्द इतना। वो सर ने बोला है पैच लगाया, मैंने पूछा दर्द बहुत हो रहा है, उन्होंने कहा 24 आवर्स बाद पैच का असर स्टार्ट होता है, इसलिए कब लगाया था? कल रात को 9:30 बजे। हाँ तो 24 घंटे बाद उसका असर शुरू। मगर वो एक पेन किलर तो दे दे, दिन भर से नहीं खाया। अभी जो दो दवाई डॉक्टर ने फोन पे बोली वो मैंने दे दी, पेन किलर देख ले होगी। क्या नाम है दोस्तों? ब्लीडिंग वगैरह तो जो है वो हो रही है, उसकी दवाई भी डॉक्टर से भी फोन करके पूछा, वो मंगवाई है, और बात है तो मजबूरी में हमको डिस्चार्ज लेके आना पड़ा, तो वहाँ की तो बचना बताएगी, उससे ज़्यादा बात हो नहीं पा रही है। मैंने खुद को भी दिखा दिया, यहाँ हॉस्पिटल था, और ड्रेसिंग की भी बात की, एक दिन कोई कर दे तो फिर मैं कर लूँगी देख के, और मम्मी का चार्जर नहीं है, उनके लिए चार्जर पूछना। दोस्तों इतना सारा सामान ले तो लिया है जो भी लेना था, मम्मी का चार्जर नहीं था, दवाइयाँ बच्चों की, मालवीय जी का ड्रेसिंग का, एक ड्रेसिंग वाले से बात की है, सर से ही बोला था मैंने डॉक्टर से, तो वो खुद लेकर आएगा, बस एक दिन के लिए बुला रही हूँ, देख लूँगी कैसे करनी है। फल फ्रूट देखती हूँ मालवीय जी को चाहिए, सिर्फ अनार रखें, नहीं तो कल मॉर्निंग में जाके लाऊंगी। तो फिर कैसा रहा मालवीय जी आपका एक्सपीरियंस? मैं सामान ले आई हूँ, और वो दो गोली खा ली ना आपने जो ब्लीडिंग की दी थी डॉक्टर ने? हाँ वो तो खा ली है, क्योंकि मैंने बात करी डॉक्टर ने, वो अभी जो दो खाई है आपने, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में वहाँ कट है तो ब्लीड कर रहा है ना, मैं आपको शिकायत थी, मैंने बात करी डॉक्टर से, हाँ 6 घंटे बाद फिर उसको खाना है, 11:30 बजे, हाँ 11:30-12 बजे फिर खाना है,
और ये डाइट चार्ट मम्मी ने अभी बताया, रात भर में सो नहीं पाया। ये डाइट चार्ट दिया, पढ़ लूँ जरा क्या है। मैं बता देता हूँ मुझे उसने मैडम ने क्या क्या बोला है। अरे तो मेरे को देखना, बनाना तो मुझे है ना। अभी तो मैंने दलिया दाल बना दी है, मम्मी ने बोला है कि सब खाओ, कंप्लीट खाओ, तला हुआ, ज्यादा मिर्च मसाले का मत खाओ। उन्होंने तो बोला दोस्तों खट्टा भी खाओ, कटोरी कटोरी लिखा मिला कचोरी। उन्होंने कहा खट्टा भी खाओ, मगर अपने में जैसे कहता है कि कट लग जाता है या पस पड़ती है तो फिर पकने का चांस रहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, एक नींबू सैलेड में नींबू निचोड़ सकते हो, दही खा सकते हो, छाछ पी सकते हो। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन है, एलोपैथिक वाले तो नहीं मानते हैं, मगर जो मम्मी है या बुजुर्ग के लोग कहते हैं कि नहीं खाने नहीं चाहिए। अब मैं तो अवॉइड करूँगी खाऊँ यार। मैं बता रहा तो हिसाब से रहने ना, तू तो अपना जो बनाते हो ना वैसे। अभी तो दाल दलिया खा लोगे, मैंने बना दिया। हाँ, दाल दलिया खा लेंगे, मम्मी के लिए मम्मी भी वही खाएगी, बाकी रोटी नहीं खाऊंगा मैं आज भी। और वो दवाई भी लेनी पीनी जरूर, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। हाँ, वो जिसमें स्टूल साफ। और कल बात करें, अभी पेन हो रहा है? पेन तो हो रहा है, रात भर मैं सो नहीं पाया हूँ। दिन में 2 घंटे सोया था, 7 से लेके 8 तक। बीच बीच में नर्स आ रही थी, क्लिनिक के स्टाफ आ रहा था, जो हाउसकीपिंग आ रहा था, तो तब सोया हूँ मैं। क्योंकि उसने जब निकाला अंदर से पैच जो ड्रेसिंग रही थी, उसके बाद रिलैक्स हो रहा थोड़ा। और अभी ड्रेसिंग करवा के आया हूँ, तो तुझे अभी तो नहीं करानी पड़ेगी कल। नहीं, मैं पूछ के आई हूँ, मैंने डॉक्टर से बात करी है, कल सुबह आएगा वो। और मायू जी को मैंने अंदर सोने के लिए कहा, तो ये बोल रहे कि मैं चढ़ ही नहीं पा रहा उसमें, मुझे बाहर ही सोना पड़ेगा। बच्चे बच्चे सोते हैं, लग लोग जाएगा अंदर, मतलब बच्चे हैं लात मार देंगे तो सोफे। बच्चों के साथ तो नहीं सोना, अलग ही सोना है। और वो ऊंचाई पे मायू जी सो भी नहीं पा रहे, तो आप सोफे पे थोड़ा अच्छे से सेटल हो जाओ। फ्रेंड देखिए कितनी अच्छी चीज दी है, मतलब ये ऐसे ही होना चाहिए ना डाइट में। जब हम ऐसी वाला पार्ट, हम गेहूँ पिसवाते हैं, तो 8 किलो गेहूँ में 2 किलो चने की दाल, काला चना डालना चाहिए, और इनने एक्स्ट्रा ऐड किया 1 kg सोयाबीन। ये मुझसे कह रही थी वो दिन मैडम, क्या कि ऐसे ही आपको खाना चाहिए, कंप्लीट डाइट लेनी चाहिए। हाँ। सुबह मतलब कि खाने में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब लें, सूप, छाछ, नारियल पानी, नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। फल खाएं, उनका रस ना खाएं, छिलके वाली दाल, हरी सब्जी, चम्मच 2 से 3 चाय, शक्कर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, घी, मलाई, मक्खन, मतलब ये तो अच्छी लाइफस्टाइल के लिए हमेशा के लिए दी है ये डाइट चार्ट। तो दोस्तों आपसे एक चीज पूछा था कि काफी सारे लोग थे जो इंदौर के थे, जैसे कि हमारी रश्मि यादव मैम सब्सक्राइबर हैं, वो अर्पित हॉस्पिटल के बाजू में। उन्होंने कहा भी यार अगर अर्पित में हो रहा है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बताया था सही, तो उन्होंने लगा कि अर्पित में हो रहा है तो आ जाइए। तो थैंक यू सो मच, अर्पित में तो नहीं, एप्पल में हुआ था। काफ़ी लोगों ने बाद में, क्योंकि देखो मेरा नेचर, मैंने ऑफिस में भी ज़्यादा लोगों को बताया नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं हेल्प अगर आदमी खुद से करे तो हेल्प होती है। जैसे हम खुद का नेचर है, सामने अगर कुछ हुआ तो हम आगे से गए, या हमारे पड़ोस में किसी को कुछ संकट आया तो हम गए। मैं हेल्प मांगू क्योंकि सबको पता है मेरा ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ कि यार प्लीज़ यार आ जा यार, और मान लो वो मना कर दे तो मुझे बहुत हर्ट होता है। मेरा नेचर वैसा है कि हर्ट होता है, फिर तो वो बात हो गई ना कि जबरदस्ती काम करना। हाँ, मेरे माँ से मैंने जबरदस्ती करवाया, वो आई, वो माँ थी, हक बनता था मेरा। फिर नए लोगों से हक बनता है पता नहीं यार, जो मुझे लगता है जो दोस्ती होती है 11वीं 12वीं तक की बहुत बेस्ट दोस्ती होती है, या कॉलेज लाइफ में होती है। उसके बाद जो ऑफिस में होती है, पर मेरे साथ वैसी नहीं होती, सिर्फ ऑफिस तक ही है वो, कभी घर नहीं आते ना उनके, कभी घर गए। और फ्रेंड्स वीडियो तो डल गए हैं, तो अभी ऐसा नहीं है सोसाइटी से एक दो लोग जो हमसे प्रेम करते थे, जैसे ही उन्हें पता चला, मेरे पास फोन भी आया कि हमें पराया क्यों समझा, और अभी मिल के गए भैया, तो वो बहुत अच्छा लगा हमें। आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए थैंक यू, बहुत सच में थैंक यू। ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं जो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कि इंदौर के हो तो इंदौर में सब सपोर्ट करो जाके। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच यार, बस अब अच्छा हो जाए यार, है ना, जो बुरा पार्ट तक खत्म हो, घर आ गए हैं ये। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि फिर से हो जाता तो वैसा ना हो, हमने इसलिए MRI कराए, अच्छे डॉक्टर से कराए, बड़े हॉस्पिटल में कराए, कि बार बार ना हो। जो 5-6 दिन का पेन है, 7 दिन का पेन है, वो सह लेंगे, उसके बाद कुछ ना हो बस। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, और डॉक्टर ने एंड में भी यही कहा है कि उनको बोलिए कि सिर्फ अपनी बीवी की सलाह पे चले तो सब सही हो जाएगा। ऐसा कोई मर्द नहीं कह सकता जो शादीशुदा की बीवी की सलाह, कोई नहीं कह ही नहीं सकता वो। सर बहुत स्मार्ट थे, मान लीजिए ना, स्मार्ट थे, नहीं थे वो कोई कह नहीं सकता दोस्तों, ये आप भी जानते हैं। अगर वो पति है तो कभी नहीं कहेगा कि मेरी पत्नी की सलाह पे चला। फिर भी सर ने कहा था OT में 4 से 5% चांस भी आने के होते हैं वापस से। ड्रेसिंग पे डिपेंड करता है, आपकी लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है। वो तो बहुत खराब है।
बच्चों को सुलाने का टाइम हो गया पर ये नहीं सोएंगे। और डॉक्टर से इन्होंने पहले ही कह दिया था और आज भी इन्होंने कह दिया कि आप डिस्चार्ज कर ही दो। मुझे भी लग रहा था दो तीन दिन, इतनी जल्दी क्यों डिस्चार्ज हो रहा है, एटलीस्ट 24 घंटे या दो दिन तो, क्योंकि ब्लीडिंग वगैरह भी हुई तो, लेकिन अटेंडर नहीं है तो रिक्वेस्ट करके डॉक्टर से डिस्चार्ज लिया गया है, इसलिए वो दे भी नहीं रहे थे, इतना लेट हो गया। ड्रेसिंग का देखेंगे, करानी पड़ेगी मॉर्निंग इवनिंग में, बहुत केयर की जरूरत है। और मुझे तो बेड पे ही सोना पड़ेगा बच्चों के साथ, क्योंकि इन लोगों को तीन तीन है, यहाँ कहाँ सोएंगे। मम्मी अभी है तो मम्मी यहाँ सोएंगी, मालवे जी सोफे पे सोएंगे। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं, आप लोगों की विशेस के लिए, प्रेयर्स के लिए थैंक यू सो मच, ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माता दी। रात के बजने 12 जो रचना अभी आई थी बोल के गई कि वो दो ब्लीडिंग वाली दो गोली खा लो, क्योंकि हर 6 घंटे में दो गोली खानी थी जिससे ब्लीडिंग ना हो, क्योंकि अब घर पे आ गए हैं, हॉस्पिटल में तो नहीं है ना। उनको बहुत पेन हो रहा है, मैंने पेन किलर खाई थी रात को 10 बजे के आसपास, और पता नहीं 7-8 गोलियां दी हैं डॉक्टर ने, पता नहीं क्या किया, कि एंटीबायोटिक है, एंटी बैक्टीरियल है, सूजन की है, ब्लीडिंग की है, पेन किलर है, पता नहीं कितनी दवाई, इतनी हैवी हो गई, इतनी हैवी लग रहा है, यहाँ तक गला भरा गया मेरा, सर भारी हो रहा है, तो बहुत घबराहट हो रही है वैसे यार। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे तो बोतल के थ्रू इंजेक्शन में देते थे वो दवाई, वो तो भर नहीं पता चलता था, मगर अभी क्या हो रहा है कि मुझे तो एसिडिटी बहुत हो रही है। सो जाना यार अचानक, प्लीज़ मैं मैनेज कर लूँगा, मत चिंता कर, है ना। ये दवाई रख दे प्लीज़, ये दवाई रख देना खाली, मैंने और ओढ़ने का दे देना, मैं सो जाऊँ। मम्मी नहीं उठाया क्योंकि मम्मी रात भर नहीं सोई है। जय माता दी। दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, बाय, गुड नाइट, जय माता दी।